हे गाइस, सो एक शॉर्ट वीडियो है ये। सडनली हमने प्लान किया है कि हम पिज्ज़ा बनाएंगे घर पे। पहले मैं सोचा था कि ऑर्डर करेंगे, बट प्लान कैंसिल हो गया। मेरी दीदी कह रही है कि एक पिज्ज़ा बनाएंगी वो। सो मैं भी श्योर नहीं हूँ कैसा बनने वाला है, बिकॉज़ वो खुद आज फर्स्ट टाइम बनाने वाली है। सो आई एम लिटिल वरीड कि कैसा बनने वाला है। मैं आपको प्रेपरेशन दिखाता हूँ। सो अभी हमने डाला है शेजवान चटनी, एंड इसके साथ हम डालने वाले हैं, इसको पकड़, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके साथ हम डालेंगे ये शेजवान मेयोनीज। और कुछ डालने वाले हम, केचप वगैरह? हाँ, शायद केचप भी डालने वाले हैं। तो ये सब डालने के बाद हम इस पे ये, इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर ये वेजिटेबल्स डालेंगे और उसके बाद चीज़ चीज डालेंगे। डालेंगे अच्छा, उसके ऊपर चीज़ डालेंगे। पहले, अच्छा ये पूरा डाल देने के बाद इसके ऊपर चीज डालेंगे, देन सब्जी भी डालेंगे, उसके बाद फिर चीज डालेंगे। वो ज़बरदस्त। तो देखते हैं कैसा बनता है, ये भी हम ट्रायल एंड एरर करते हैं। हमारे वीडियो में हम सब ट्रायल एंड एरर करके पता चलता है हमको कि क्या होने वाला है। अदर वीडियोस में वो प्रिपेयर रहते हैं कि क्या वो शो करने वाले। हमारे वीडियो में हमको कुछ नहीं पता होता है कि हम क्या बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसने तेल डाल दिया है पैन में, और ये तेल जल चुका है, ऐसा धुआं उड़ रहा है। देखो, तो पता नहीं क्या करने वाली है वो। आई एम फिंगर क्रॉस्ड। सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो हाउ टू मेक अ पिज्ज़ा, बट फॉर अस, हम तो ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। तो जो भी बनने वाला है वो एक्सपेरिमेंट होगा। सो इफ यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक अ पिज्ज़ा एट होम, अगर आपने ऑलरेडी वो वीडियो देख रखे हो यूट्यूब पे, सो बेयर विद अस। सो बिकॉज वी आर नूब ट्राइंग आउट समथिंग न्यू। यहाँ पे तेल जल रहा है, डूड बंद कर दो क्या? बंद कर देता हूँ। यहाँ पे वो डाल रही है बहुत सारा चीज़, मोजरेला चीज़। और ये चीज़ सेम होता है क्या डूड? नहीं, थोड़ा सा अलग होता है। अलग होता है वो। हमारा बजट थोड़ा कम है, तो हम वेजिटेबल के नाम पे बस ये टमाटर और अनियन डाल रहे हैं। अगर ये अच्छा बन जाता है तो हम अपना बजट थोड़ा और बढ़ाएंगे, और फिर वो एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वाला ये इस पे करेंगे। गाइज, ये जो ब्रेड होता है बेस, ये पूरा मैदे से बना होता है, इसलिए इतना सस्ता है ये। और 30 रुपए के दो आते हैं मैम, 30 रुपए के दो। कैन यू इमेजिन इतना सस्ता है ये। A few moments later. So guys, आप देख सकते हो कि उसने, मेरी दीदी ने ये पिज्जा बोला बनाया। था ये कहीं से भी पिज्जा जैसा दिखता भी है, देख थोड़ा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये बड़ा मोटा सा पराठा लग रहा है मुझे, विद सम टॉपिंग। और ये जो उसकी चीज है, ये अभी भी पिघल ही रहे है, उतने में उसने निकाल लिया, बिकॉज इसका जो बेस है वो जल रहा था। सो अपना शायद ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है फेल, तो अपन थोड़ा और सीखेंगे, और उसके बाद और एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि बनाना ही है, एक एक बेस बचा हुआ है। सो कुछ तो गंदा सा काम किया उसने, यहाँ पे भी जो है पिघल रहा है वो चीज़। तो व्हाट आई डू अब, एनीवेज अभी ये बन तो गया, इसको खाना पड़ेगा। अब कैसे खाता हूँ मैं वो दिखाता हूँ आपको, मैं पहले इसको कट कर लेता हूँ। सो गाइज, ये चाकू मैंने अभी ढूंढ के लाया है। मेरी दीदी ने ये चाकू पता नहीं कहाँ से खरीद के लाया था। इसको कभी हमने वेजिटेबल कट करने के लिए, फ्रूट्स कट करने के लिए यूज़ नहीं किया। ये इतना यूज़लेस चाकू है, क्योंकि ऐसा हिलता ही है, ये बहुत ही डेंजरस है। तो मैंने दीदी को बोला कि ये चाकू ढूंढ के ला, क्योंकि इसको कभी हमने यूज़ नहीं किया। तो आज इसका यूज़ होने वाला है पिज़्ज़ा काटने में, क्योंकि इसी लायक है ये, और कोई काम नहीं कर सकते चाकू से। सो गाइज, ये पिज़्ज़ा अपना रेडी है, आप देख सकते हो। इसको मैंने काटने की पूरी कोशिश करी, लेकिन ये नीचे से थोड़ा सा जल चुका है, तो इसका जो बेस है बहुत कड़क हो गया, तो ये कट नहीं रहा था प्रॉपरली, और ये देख बहुत ही डिजास्टर रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ खाने का, भगवान का नाम लेके खाने वाला हूँ इसको मैं। पता नहीं मेरे पेट में क्या तबाही मचाएगा ये। तो अगर आप ये घर पे कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे करें, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन मैं खुद की ले रहा हूँ जिम्मेदारी। देखते क्या होता है। सो इट लुक्स बैड, लेट्स सी हाउ इट गोज इनसाइड। पिज्जा जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, टेस्ट पिज्जा वाली आ रही है, क्योंकि वो मेयोनीज़ और तो बहुत सारा चीज़ डाला है। लग तो पिज्ज़ा ही रहा है, लेकिन अब बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है इसका जो टॉपिंग है। और सबसे बुरी चीज़ ये हो गई है, इसमें जो वेजिस थी, वेजिस के नाम पे डाला ही क्या इसने, टमाटर और कांदा। गाइस, आप समझ चुके होंगे मैं दो चीज़ में बहुत सही हूँ, एक खराब खाना खाने में, और दूसरा फिर उसमें कमेंट करने में कि भाई उसको कैसे ठीक किया जाए। गाइस, ब्लॉग करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कुकरी या फिर ऐसे रेसिपी वाले ब्लॉग करने वाला हूँ, लेकिन अब मुझे आइडिया आ रहा है तो शायद मैं कर सकता हूँ कुछ डाइट फूड के ब्लॉग्स बना सकता हूँ मैं फ्यूचर में। लेकिन आपको लग रहा होगा ये बंदा बोल रहा है फिटनेस की वीडियो बनाएगा,
क्या बनाएगा, ये तो खुद खा रहा है, ये पिज्ज़ा खा रहा है अभी, ये मैदे वाला। तो गाइस फिलहाल तो मैं, मेरा फिटनेस रिजीम उतना डिसिप्लिन में चल नहीं रहा है, तो सून आई विल स्टार्ट ऑन इट एंड एज सून एज आई विल स्टार्ट ऑन माय फिटनेस जर्नी, सो आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस एंड वॉट एवर आई डू लिटिल थिंग्स, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा यू नो डाइट फूड ज़्यादा खाता नहीं हूँ मैं, बट थोड़े से चेंजेस करता हूँ। लाइक अभी मैं अगर वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, लाइक अदर पीपल इन माई हाउस उनके जैसे खाना खा रहा हूँ। बट वैन आई स्टार्ट हिटिंग द जिम तो तब मैं वही खाने को तो मैं थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ, वो बहुत ही ईजी होते हैं, उतने से ट्वीक करके अब खाने को अच्छा रिच इन प्रोटीन एंड फिल विथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों प्रॉपर आप बैलेंस कर सकते हो, सो यू कैन इवन अचीव योर गोल्स, फिटनेस गोल्स लाइक फैट लॉस और मसल बिल्डिंग। सो आई एम नॉट गोना टेल यू अबाउट, लाइक आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू कोच यू अबाउट योर फिटनेस जर्नी, बट आई कैन शेयर माई ओन एक्सपीरियंस कि मैंने पहले जब कभी मैंने फिटनेस फॉलो किया था, अभी थोड़ा सा पॉज है, जब मैं फिर से रिज्यूम करूँगा तो आई टेल माई स्टोरी कि मैं क्या करता हूँ, हाउ डू आई कीप माई सेल्फ फिट एज वेल एज हाउ डू आई ईट, हाउ डू आई ट्रेन, एवरीथिंग। सो आई विल बी टेलिंग यू। या हे गाइस, यू सी द एंगल चेंज्ड? या सो मैंने अपने फ़ोन को अपने ट्राईपॉड पे फिक्स किया है, सो सून आई विल गिव यू अ वीडियो ऑन माई ट्राईपॉड अनबॉक्सिंग। ऑल्सो आज का जो वीडियो था वो मैंने ऐसे इंटेंशनली कुछ प्लान नहीं किया था, ऐसे ही बस मैंने फन ब्लॉगिंग करने का कोशिश किया मैंने। लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। ऑफकोर्स ये नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स तो था नहीं, जैसे कि मैं नॉर्मली शूट करता हूँ, मोस्टली मैंने ऑटो ब्लॉग्स बनाए हैं और एक ट्रैवल ब्लॉग बनाया है। सून आई विल बी कमिंग अप विथ मोर एक्साइटिंग वीडियोज, लाइक नेक्स्ट ब्लॉग वुड बी ऑन सम गुड प्लेस, मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ, तो एक बढ़िया सा ब्लॉग आने वाला है, ट्रैवल ब्लॉग, सो उसको आप बिल्कुल देखना। और ये वीडियो बस ऐसे ही मैंने टाइम पास के लिए बनाया था, और आप सोच रहे होंगे इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, लेकिन ये वीडियो देख के आपको ये पता चल चुका है कि हाउ नॉट टू मेक अ पिज्ज़ा। सो इस रेसिपी के अलावा आप जो भी फॉलो करोगे वो ही असली रेसिपी है पिज्ज़ा की, तो वही खाना, इसको बिल्कुल ट्राई मत करना, ये तो मुझे मजबूरी में खाना पड़ा, सो अंडरस्टैंड। सो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग, उसको मिस नहीं करना, वो बताता हूँ किस पे होने वाला है। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।